माली जब अपनी फुलवारी तैयार करता है तो वह बीज लाता है, खेत में बोता है और फिर उसे सींचता है, पालता है, पोसता है। अब उस पे स्वतः ही कुछ ऐसे घास फूस भी खड़े हो जाते हैं, उगाते हैं, जिनकी वजह से जो बीज बोए गए थे और अंकुरित हुए तो उन बीजों से अंकुरित हुई फसल पर उनका दुष्प्रभाव पड़ता है, जो बिना चाहे बिना जोते बोए ही अपने आप स्वतः घास फूस तैयार हो गई, तो उससे उसकी बोई जाने वाली फसल को नुकसान होता है। माली उस अनचाही फसल को एक एक करके काट करके, निरा करके, घोड़ करके बाहर करता है और जिस फसल को उसने बोया था उस फसल को वो तैयार करता है, उसको सींचता है, पालता है और संरक्षित करता है, और जो अनचाही फसल स्वतः ही उगने वाली घास है उसको हटाता रहता है। मित्रों, इसी तरीके आपके मन में, मस्तिष्क में भी ऐसे अनचाहे विचार आते हैं जिनका आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई कोई परिणाम नहीं है, कोई लाभ नहीं है उन विचारों का, लेकिन वो स्वतः ही उठते रहते हैं, उठते रहते हैं। आपको अगर उन विचारों को डिलीट करना नहीं आता, उन विचारों को हटाना नहीं आता है, तो आप निश्चित ही अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। आपने जो बीज बोए हैं, हर व्यक्ति कोई ना कोई उद्देश्य लेकर के चलता है। आप पढ़ाई करने जाते हैं तो वो आपके भीतर मस्तिष्क में बीज ही है कि आप वो पढ़ाई किस उद्देश्य से कर रहे हैं। कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य लेकर के आप विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय में पढ़ करके डिग्रियां लेकर के आप क्या करना चाहते हैं, वो बीज है। आपने बो तो दिया, आपके परिवार वालों ने आपके मस्तिष्क पे उन बीजों का रोपण किया। अगर आप उनको संरक्षित नहीं कर रहे हैं और इस समाज में अनचाहे आपके इच्छा के बिना ही स्वतः ही जो प्रस्फुटित होने वाले घास फूस के तरीके तमाम विचार हैं, अगर उनको आप हटाते नहीं रहे समय समय पर, तो आपके उस जो उद्देश्य लेकर के बीज बोया गया, माली ने जो बीज बोया, उस बीज से अंकुरित जो पौधे हैं वो पौधों को ढक लेंगे ये सामाजिक विचार, ये जो दुष्विचार हैं जो अनचाहे रूप से आपके मस्तिष्क में आएंगे वो आपके मूल विचार को नष्ट कर देंगे। इसलिए आप इस समाज में रहते हैं, आपको इन विचारों से, तो आप इनको विचारों को तो नहीं सामाजिक नष्ट कर सकते, वो विचार देख करके, समाज के दृश्य देख करके, समाज की परिस्थितियां, स्थितियां, आपके तमाम मित्र संबंधी आदि लोगों को देख करके कुछ अच्छे विचार हैं जो आपको ग्रहण कर लेने चाहिए। जो खराब हैं उनको नष्ट नहीं, ग्रहण और नष्ट करना आपको आना ही चाहिए कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है। जब फसल कोई माली बोता है, अपनी फुलवारी तैयार करता है, तो उसमें कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं जो उस फसल को संरक्षण देती हैं, और कुछ खराब चीजें हैं जो उसको नष्ट करती हैं। वैसे ही आपके मस्तिष्क में जो बीजारोपण हुआ है, उस बीज को नष्ट करने वाली चीज जो है उसको आपको नष्ट करना है, और जो उस बीज को संरक्षित करे उसको आपको छोड़ देना है, उसको संरक्षित करना है, उसको साथ में रखना है। तो इस समाज में आपको अच्छे विचार भी मिलेंगे, बुरे विचार भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। आप अच्छे बुरे का ज्ञान स्वतः करके, अपने हित अनहित का आप ज्ञान करके, हित अनहित जाने सब कोई, जो जे नीक भाव तेहि सोई, सबको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप स्वयं अपने आप में झांके और जाने जो आपके हित के लिए है उसे आप ग्रहण करें, संरक्षित करें, और जो आपको नुकसान पहुंचाए, जिससे आपके बीज का नुकसान हो रहा हो, उसे आप नष्ट करते जाइए, नष्ट करते जाइए। अगर आप नष्ट नहीं करेंगे तो आपका मूल विचार कट जाएगा, आप अपने उद्देश्य से कट जाएंगे, आप अपने लक्ष्य से कट जाएंगे, और लक्ष्य से कटने का मतलब है कि पूरी जीवन फिर आपको केवल भटकना ही पड़ेगा, भटकना ही पड़ेगा। जय माता रानी, जय माता रानी।